सदियों से हम एक विष कन्या की तलाश में, और हमारी तलाश खत्म हुई तुम पर। तुम एक विष कन्या कम इंसान ज्यादा निकली। अबू, हमने तुम्हें एक मौका दिया हमारे शरण में आने का। हमारे शरण में आती तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करते। तुमने तुमने हमें धोखा दिया। अबू, तुम्हारा दिल कितना ही अच्छा हो अबू, तुम अपनी अच्छाई से लोगों को प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने शरीर से इस विष को कैसे निकालो? हाँ, तुम एक विष कन्या हो और तुम्हारे अंदर हमेशा से ही विष भरा रहेगा। हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं अप्पू। बोलो, चलोगी हमारे साथ? हाँ, मैं एक विष कन्या हूं मंदिरा। हाँ, मेरे रग रग में विष है, पर मेरी नियत और मेरी सीरत तुम्हारी तरह काली नहीं है। माना कि विष कन्याओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, पर उसका यह मतलब नहीं कि वो कोई दूसरा रास्ता नहीं चुन सकती। मेरा बस चले मंदिर, तो मैं अभी अपना सारा विष त्याग कर एक आम मामूली जिंदगी जी लूं। पर मैं जानती हूं कि मैं कभी एक आम जिंदगी नहीं जी सकती, पर मैं ये भी जानती हूं कि इंसानियत के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक साफ दिल ही काफी होता है। तो तुम अपना ये मौका मंदिरा अपने पास ही रखो, क्योंकि जिस विष कन्या को पाने के लिए तुमने इतने खेल खेले हैं, आज उसी विष से तुम्हारा अंत होगा। किसी भी इंसान का किसी काली शक्ति को हराना इतना आसान नहीं होता। वो सिर्फ कुछ चीजों से डरते हैं, जैसे कि चांदी या फिर आग। हाँ, इस दरवाजे को आग से जलाया जा सकता है। प्लीज चल जाओ। तुम नहीं जानती तुमने हमें इनकार कर कर कितनी गलती की। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम कन्या। अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। विष कन्या का बच्चा नहीं तो विष कन्या ही सही। तुम्हें अब हमसे कोई नहीं बचा सकता अपराजिता घोष। Are you okay? Don't worry, Abhi. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अबू, बस बस बहुत हो गया मंदिरा। अब सिर्फ एक मौत होगी और वो तुम्हारी होगी। काला साया होगी, काला साया, वो भी मेरी, यानी विष कन्या के हाथों। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अप्पू। तुम अपना विष, अपनी जिंदगी, अपनी शक्तियां सब बर्बाद कर दोगी। बर्बाद नहीं मंदिरा, तुम्हें मार के तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आज तक मैं अपने विष को कोसती आई थी कोई श्राप समझकर, पर आज अगर वो तुम्हारे मरने का जरिया हुआ तो इससे अच्छी मौत तो मुझे मिल ही नहीं सकती। काले साए को मारना इतना आसान नहीं है अप्पू। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काकी,
अबू अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आती मलक तो तुम किसी अपने को नहीं खोते। अबू तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। नहीं मलक, वैसे भी मैं यहाँ रहकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने बाबा को बुलाया। उनका आश्रम है हिमालय के पास, अब मैं वहीं रहूंगी। हिमालय? पर क्यों अबू? तेरा सारा सामान पैक कर लिया जैसा तूने मुझे कहा। अब कितना रो गया? तुमने जो मेरी फैमिली के लिए किया, मेरी माँ के लिए किया, उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है, पर अब माँ वापस घोष भूतबाड़ी में जाकर रहना चाहती है। काकी, पर क्यों? मले, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए थी, ये जायदाद नहीं, और तुमने हमें हमारी इज्जत वापस दी। जय कुलदेवी मैया की। नमस्ते बाबा। तू तैयार है मेरी बच्ची? जी बाबा। हमेशा से तूने कठिनाइयों वाले रास्ते ही चुने। यहाँ रह के दूसरों की जिंदगियों में कठिनाइयां पैदा करने से तो अच्छा है कि मैं आपके साथ आश्रम ही चलूं। सही कहा मेरी बच्ची, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जैसा आप कहें। तुम एक बार अपने नाखून इसे लगा दो बस। क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तुमने हमें वचन दिया था। बाबा, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? क्यों मुझे इस मासूम की मौत की वजह बना रहे हैं? तुम्हारी मर्जी, मेरी बात मान लो या अपना वचन तोड़ दो। खरगोश को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। मैं इसे देख के ही समझ गया था, इस बच्ची पर देवी माँ का आशीर्वाद है। माँ ने इसे काले साए को खत्म करने का जरिया बनाया और साथ ही साथ इसे विश्व मुक्त कर दिया है। हमेशा 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 तू एक विषकन्या होने से मुक्त हो गई। तू एक आम लड़की की तरह एक आम जिंदगी जी सकती है, बाकी सबकी तरह बाहर घूम सकती है, खा सकती है, पी सकती है और प्यार भी कर सकती है। अबू, क्या तुम मुझसे फिर से प्यार करोगी? क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करना भूला ही नहीं। दिल में मगर जलते रहे चाहत के खुशी था। क्षण मले बेटा, दुनिया में चाहे कितनी भी नफरत हो, सच्चे प्यार का पल्ला हमेशा भारी ही रहता है।